हेलो जी। हम आए हुए अभी जहाँ से सेब जाता है जूस बनने के लिए, है ना। माहौल बड़ा सही होता है। हट जाओ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज दिन की शुरुआत सीधा अपने घर से हो रही है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में और सारे में। मतलब पिछले कल हम लोग घर आ गए थे, तो अब घर पे ही है। प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, अभी जाता हूँ मैं अंदर को, घर वालों से मिलता हूँ, क्योंकि रात को अच्छे से नहीं मिले थे। तो उसके बाद करेंगे दिन की शुरुआत कुछ तूफानी करके। गाइस, तो नहा धो के फ्रेश होकर मैं आ चुका हूँ ग्राउंड में, और अभी यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ पे बोर होने लगे हैं। तो हमें पप्लेश मिला है, ये कह रहा है कि मुझे जाना है तेलगा तक। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी घूम के आ जाए, थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगा गांव में। चलते तेलगा की तरफ। गाइस, तो अभी हम लोग ना तेलगा से सीधा आए संदासू, क्योंकि यहाँ है। हेलो जी। हम आए हुए अभी जहाँ से सेब जाता है जूस बनने के लिए, है ना। यहाँ से ना ये मतलब जो तो जाता है उसके लिए, क्या नाम कहते हैं, जो अच्छा अच्छा और बढ़िया बढ़िया सेब होता है ना, वो जाता है पेटी में। ये देखो, ऐसा ऐसा सेब हरा हरा सारा इनमें आता है, इसका बनता है जूस। यहाँ है कांटा लगा हुआ। यहाँ देखो, ऐसे ऐसे ट्रक लोड होके जाती है, इनका जूस बनेगा। जूस, बियर, पता नहीं क्या क्या बनता होगा, शराब शराब सारी सेब की जो जो बनता है वो यहाँ से जाता है ऐसे करके। कहाँ प्रशांत? हेलो जी। यहाँ देखो, ऐसे ऐसे यहाँ पे उतरता, फिर यहाँ पे वेट होता है। हवा चल रही है यहाँ बहुत तेज, तो अभी उतरेगी हमारी गाड़ी थोड़ी देर में इधर, फिर वेट वगैरह होता है इसका, फिर उस वेट के हिसाब से लिखता है उसमें कितना है। फिर इसका मिलता है हमें, मतलब पैसा नहीं मिलता है, वो मिलता है सामान, मशीन वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ, ऐसी चीज़ें मिलती है। ये गाड़ी भी उतर चुकी है, अब यहाँ से जाएंगे, और यहाँ से ना गाड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ से पुपलेश को जाना है उधर, क्या नाम कहते हैं, चढ़गांव, इसके साथ आ रहे मामी। तो हम लोगों को यहीं से दूसरी गाड़ी काके वाली मिली हुई है, वो काका वेट कर रहा है उधर हमारा, तो हम निकलेंगे उसके साथ। ये देखो, गाड़ी उतर चुकी है, दो तीन रहेगी, दो तीन क्या, एक दो तीन, तीन रहेगी ये सिर्फ। गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं संदासू में, और इधर बंदे मिल चुके हैं हमें, और अंदर है तकड़ा ही माहौल बनाया है इन्होंने, ऐसा ऐसा माहौल है बनाया। ये देखो जी, ये देखो बंदे, गैंगस्टर। मैंने लंच वगैरह कर दिया है, अब जाना है मुझे मम्मी के साथ तेलगा, वहाँ थोड़ा बहुत काम होगा, वो सारे काम करने। अब यहाँ आया था मैं पावर बैंक लेने, और इधर ना मुझे सुनाई दिया एक बिल्ला, छोटा जैसा बिल्ला है, इसके पीछे छुपा हुआ। यहाँ देखो, मेहनती बच्चा, चल आ जा, आ जा, जा। पंजा मारेगा मुझे, मैं और मम्मी आ गए थे बगीचे अपने नहीं आए आज, हम आए आज मामू के बगीचे, वहाँ पे काट रहे हैं हम लोग घास। इधर मम्मी बांध रहे हैं पुलटे, अब ऐसे से बना के ऐसे रखेंगे, फिर ले जाएंगे यहाँ नीचे, ये जो नीचे पेड़ है ना, बड़ा सा पेड़, इसके पास रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ना यहाँ रोड है नीचे, तो यहाँ से गाड़ी में डाल के घर ले जाएंगे। हमारे पास घास कम होता है ना, इस करके मामू के बगीचे में हम निकालेंगे घास, उन्हें देंगे इसके बदले गोबर, मामला बराबर हो जाएगा फिर। तो ऐसी ऐसी कहानी है, अभी इसके बाद ठीक है जी, ये हो गए, अभी गिनती करनी पड़ेगी इनकी। ये है 6-7-1, 7 उल्टे बन चुके हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे बहुत सारे बनेंगे ना, फिर गाड़ी लायक हो जाएंगे जब, 200-300 हो जाएंगे जब,
तब ले जाएंगे इनको एक साथ। अभी हम मम्मी ढूंढेंगे बकरे के लिए हरी हरी पत्तियाँ, फिर लाएंगे, फिर देंगे मेरे को, फिर मैं निकलूँगा घर। ऐसी ऐसी कहानी थी आज के पूरे दिन की। और आज कल ना थोड़ा ढीला सा काम चला हुआ है मेरा। इतनी मस्त लोकेशन में खड़ा हुआ ना, जैसे इगल नहीं होता ऊंची ऊंची जगहों पे खड़ा हुआ, वैसा ही हूँ मैं खड़ा हुआ ऊपर जैसे ना। और यहाँ से देखो क्या व्यू नीचे के लिए, सारा नीचे के लिए ये देखो। पर वो सामने वाले पहाड़ ज़्यादा ही ऊंचे कुछ। और मम्मी इधर ढूंढ रहे हैं जोड़ी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी क्यों ढूंढ रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ जोड़ी के लिए। तो मम्मी कह रहे हैं कि तू हाथ काट लेगा उससे, दराटी से, उससे मेरे को नहीं आता ना, मैं दराट से काटना जानता हूँ, वैसे वाली बात है कुछ। तो मम्मी ने कहा कि मैं ला लूँगी, तू क्यों जा रहा है। वो देखो मम्मी उधर है झाड़ियों में काटने लगे बकरी के लिए, बकरी का भोजन काट रहे। फिर निकलूँगा मैं फटाफट से घर। जोड़ी हो गई है तैयार और इसको लेके जाना है मुझे घर। अब इसके बाद घर पे काम करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, दाल दूध लगानी पड़ेगी पकाने को थोड़ी देर में, फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, फिर जाऊँगा घूमने शाम के टाइम। तो आज के यही टास्क है मेरे, निपटा के मैं आ चुका हूँ रोड में। और रोड में पता किसने बुलाया मुझे, यहाँ देखो ये वो बंदा। आज इसने काम कितने काम किया आज घर पे, बहुत काम। अरे 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 मेरे को सुना रहा था अभी तक कितने काम किए, सारे काम है इसने आज किए, बर्तन बुर्तन धोए हुए बंदे ने। तालियां बजा लेना इसके लिए, कमेंट में तालियां ही तालियां होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल अब कहाँ जाएंगे भाई घूमने फिरने, तो निकलेंगे थोड़ी देर नहाने देते बंदों को। वो देख रहे हैं वाइट कैप आ रही है पार से, ये देखो। ऐसा कैसा आ रहा है भाई तू? हेलो रोहित भैया, हेलो हेलो मोनू भाई, हेलो 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 हेलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गले गले तो मिल लो यार तुम दो भाई, काफी टाइम बाद मिले मिले, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? अब किधर को जाना, माऊ कहाँ है? माऊ भी कर फोन, जहाँ तू बोलेगा वहाँ। तो अभी अपने को जाना है चटगांव तक, क्योंकि चटगांव में आई है इंदु, इंदु को लेने जाना पड़ेगा, उसको बस छूट गई क्योंकि थोड़े बहुत काम थे ना उसके पास, तो सेंटर से आने के बाद उससे शायद लेट हो गई। तो अब हम लोग पूरी टीम लेके जा रहे हैं चटगांव को, तो चलो चलते हैं चटगांव की तरफ। लोग घर से आ गए थे टिकरी में और इधर इंदु का फोन आया, कहती है कि मुझे गाड़ी मिल गई है, तुम लोग वापस जाओ। तो हम लोग अब वापस तो कहाँ ही जाएंगे यहाँ से टिकरी से आके, तो हम लोगों को लग रहा है कि एक गेड़ी धमवाड़ी की मार लेनी चाहिए टाइम रहते। तो निकल गए हैं धमवाड़ी की तरफ, इंदु को अब इसके बाद पिकअप करेंगे वहाँ से, क्या नाम कहते हैं, गढ़सारी से, गढ़सारी में आएंगे वो। तो अभी उसे टाइम लगेगा आने में, हम भी क्या करेंगे तब तक। और थोड़े से लेट हो गए हम लोग ना, यहाँ पे सनसेट होता है ना गाइस, ऐसा एक नंबर सनसेट होता है यहाँ पे। पर अभी हम लोग ना थोड़े से लेट हो गए, मतलब आते आते ना हम लोग थोड़े रास्ते में रुक रुक के है ना, कहीं बस बुस मिल गई थी, तो उस वजह से हम लोग लेट हुए यार गाइस। यहाँ से भी हम लोग लेट हो चुके हैं, अब यहाँ से घर ही निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आए थे हम, मेन हमारा मकसद ये था। और अंदर से ना गाड़ी से कुछ भी नहीं दिखता है बाहर, क्योंकि शीशे भी बहुत ही गंदे हैं हमारी गाड़ी के, ये देखो गाइस, क्योंकि गाड़ी खड़ी थी ना तो उस वजह से शीशा गंदा हो गया, वरना हम आप लोगों को थोड़ा पहले दिखा देते। हम लोग चल पड़े हैं धमवाड़ी से वापस, धमवाड़ी में आए उस टाइम जाम जाम लगा हुआ था इधर आते हुए, तो उस टाइम तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये है यहाँ का इवनिंग टाइम, शाम के टाइम यहाँ पे माहौल बड़ा सही होता है। हट जाओ, हाँ जी गाना बंद, गाना चल पड़ा बीच में, बस इतना रश होता है। छोटी सी मार्केट है, गांव वाली मार्केट है, ये गांव जैसा ही लगता है, मतलब गांव ही है, ऐसे नहीं कह सकते कि शहर है या बाजार है, छोटा जैसा बाजार है जिसमें कि गिनी चुनी कुछ दुकानें, और ये इवनिंग टाइम है यहाँ का। बस हम भी निकल गए, अब दीदी भी पहुँच गए होंगे, तो हम भी चले जाते हैं अब घर की तरफ। गाइस तो हम लोग आ चुके हैं और लाइट इतनी तेज़ पड़ रही है ना मुंह पे, और इंदु भी हमें मिल चुकी है, ये देखो इंदु इधर बैठी हुई है,
अब जाता हूँ मैं, लाइट जल रही है बहुत तेज, फ्लैश लाइट, इसको बंद करना पड़ेगा। घर पे और अभी घर पे डिनर वगैरह करके हम लोग निपट चुके हैं। अब जलाई जा रही है आग, इंदु जला रही आग, क्योंकि हमें अभी मक्की भुननी है। दिखा तो एक, ये बनाएंगे अभी हम फ्राई करके। बढ़िया, मम्मी ने ला लिया लकड़ियाँ, मिला लिए सारे, ला लिया। आग भी हमारी जल चुकी है हल्की हल्की सी। अब थोड़ी देर में जैसे आग जलेगी कोयले बनेंगे, फिर उसके बाद इनको बना के मस्त अपने कमरे में जाके ले जाएंगे। मम्मी कैसे है? क्यों, क्या उल्टा काम कर दिया? मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे और मैंने ना अपनी मक्की मुक्की ला ली है, जो कि मैंने यहाँ रखी है। ये देखो, ये मक्की मैंने ला ली है और अब इनको रात में खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। तो अभी इस ब्लॉग में इतना ही, इस ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, सारी चीज़ें कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।